उधर निगम चुनाव के नामांकन का तीसरा दिन है और आज दोपहर 3 बजे तक नामांकन किया जाएगा। 2 दिन में 8 प्रत्याशियों ने सिर्फ नामांकन भरा है और अभी पार्टियों ने अपने टिकटों की भी घोषणा नहीं की है। शुभ मुहूर्त में अपने जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन यहां पर दाखिल करेंगे। 19 अक्टूबर तक नामांकन भरने की अंतिम तिथि है, तो ये बड़ी खबर। तीसरा दिन है लेकिन नामांकन महज 2 प्रत्याशियों का अभी तक हुआ है। वहीं 2 दिन में सिर्फ 8 प्रत्याशियों ने यहां पर अपना नामांकन यहां पर किया है और अभी पार्टियों ने जो टिकटों की घोषणा है वो तक नहीं की है। शुभ मुहूर्त का कहीं ना कहीं इंतजार होता हुआ दिखता है जब शुभ मुहूर्त में प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। चले खबर पर जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं जी मीडिया संवाददाता जयपुर से दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जोधपुर से अविनाश हमारे साथ हैं और इसके अलावा हिमांशु हमारे साथ कोटा से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जोधपुर का रुख करते हैं, यहां पर अरुण किस तरीके से नामांकन प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, कितना नामांकन हो पाया है? आशीष, नामांकन तो हालांकि जोधपुर में सिर्फ 2 लोगों ने किया है, वो एनसीपी की पार्टी के थे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस की तरफ से पर्यवेक्षक आए हुए हैं और आप देखिए मेरे पीछे तमाम कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए वैभव गहलोत है, महेंद्र चौधरी है, शहर विधायक मनीषा, तो उन लोगों से बात करने की कोशिश करनी। सर किस तरह का लोगों में रुझान देखने को मिल रहा है और आज क्या होगा? शानदार रुझान है, जिस तरीके से जोश है लोगों में, कार्यकर्ताओं में, जिस तरीके से सभी कार्यकर्ता अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जोधपुर के दोनों वो बनेंगे रुझान, कांग्रेस का वोट बनेगा। सर क्या मुद्दे लेकर जाएंगे और युवाओं में कितना उत्साह है? हाँ जी, मुद्दे क्या लेकर जाएंगे? आप देखिए, सरकार ने अपने लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं पूरी कोरोना महामारी में कितना शानदार काम हुआ, ना केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में राजस्थान सरकार की प्रशंसा हुई है। युवाओं के लिए अभी 2 दिन पहले बेरोजगारी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस की सरकार ने भर्तियां खोली हैं, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि युवा इस सब को देखते हुए कांग्रेस को अपना समर्थन देगा। बिल्कुल आशीष, जिस तरह से देखिए मुख्यमंत्री के द्वारा कोरोना गाइडलाइन और कोरोना के जो काल में काम किया गया था उसी काम को लेकर है जो वैभव जी ने बताया कि जोधपुर में वोट कांग्रेस का बनने जा रहा है। मैं बात करना चाहूँ मनीषा जी एक मिनट, विधायक जी है, विधायक जी से पूछेंगे आपके विधानसभा क्षेत्र के लोग आ रहे हैं और जिस तरह से उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, मैं शुरू से ही कह रही हूँ कि जिस तरह जब भी विधानसभा में नगर निगम चुनावों का विघुल बजा है, लोगों में बहुत उत्साह है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में और काम किया है और जिस तरह विकास की गंगा बही जा रही राजस्थान में, उसको देखते हुए लोग ये चाह रहे हैं कि निगम में कांग्रेस का वोट बने और हमें पूरा विश्वास है लोगों के उत्साह को देखते हुए कि कांग्रेस का दोनों वार्ड कांग्रेस के बनेंगे और महापौर हमारी बनेंगे। बिल्कुल, महेंद्र जी चौधरी है, महेंद्र जी से बात करने का प्रयास। महेंद्र जी, किस तरह से सुबह से आप लोग लगे हुए हैं और जिस तरह से कार्यकर्ता और दावेदार उत्साहित होकर आ रहे, क्या लग रहा है? देखिए, ये तो तय है कि जोधपुर में बोर्ड तो दोनों कांग्रेस पार्टी के बनेंगे, इसमें अब कोई किंतु नहीं रह गया है। जिस प्रकार का माहौल आज सुबह से जोधपुर के अंदर बना हुआ है और जिस प्रकार मैं खुद कई जगह ऑब्जर्वर रहा हूँ, असेंबली इलेक्शन में रहा हूँ, नगर निगम के इलेक्शन में रहा हूँ, राजस्थान में रहा हूँ, राजस्थान से बाहर रहा हूँ, लेकिन मैंने जिस प्रकार का उत्साह पहले जोधपुर के अंदर पहली बार देखा है। अभी तो एक विधानसभा क्षेत्र का दौर शुरू हुआ है, अभी 2 विधानसभा क्षेत्र के और दौर शुरू होने हैं। जिस प्रकार युवाओं में, जिस प्रकार महिलाओं में, जिस प्रकार से बुजुर्गों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे मुझे ऐसे लग रहा है कि बम्पर बहुमत के साथ के अंदर दोनों बोर्ड कांग्रेस पार्टी के बनेंगे और हमारे पार्षद जीतेंगे, और जीतेंगे नहीं बल्कि बहुत भारी बहुमत के साथ के अंदर जीतकर, जिस प्रकार अशोक गहलोत जी ने एक कल ही घोषणा करी है युवाओं को बेरोजगारी के लेकर, जो 31,000 शिक्षक भर्तियों की खोली है, क्या उत्साह लोगों के अंदर उमड़ रहा है। और निश्चित रूप से जोधपुर के लिए तो वैसे भी अशोक गहलोत जी एक वरदान साबित हुए हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हो, चाहे सेंटर में मिनिस्टर रहे हो, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हो, हमेशा उन्होंने जो जोधपुर का विशेष रूप से ध्यान रखा है। तो अशोक गहलोत जी की भावनाओं को देखते हुए निश्चित रूप से जोधपुर के अंदर कांग्रेस का वोट भारी बहुमत के साथ के अंदर जी। बिल्कुल सुमित, देखा आपने जिस तरह से महेंद्र चौधरी हो, वैभव गहलोत, तो तमाम वो लोग हैं जो पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ आए और लोगों का जो उत्साह है सुबह से इस तरह की चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सुमित,
कि जो कोरोना गाइडेंस है वो कम से कम नेताओं को ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है, और उसकी जो तैयारियां वो किस तरीके से हो रही हैं वो भी हमें यहां पर जो है साफ तौर पर दिख रही हैं। जयपुर